गुड मॉर्निंग ऑल यू गाइज एंड वेलकम बैक टू 88 रेसिंग। आज है डे टू, अभी हम सो के उठे हैं एंड दिस विल बी द सेकेंड व्लॉग बेसिकली। अभी नहीं डे टू नहीं सॉरी व्लॉग टू, सो दिस इज बेसिकली डे थ्री। सो डे थ्री और फोर का व्लॉग अलग से बनेगा बिकॉज एक ही व्लॉग में सारा कुछ ठूस नहीं सकते थे हम। तो फर्स्ट दो का ऑलरेडी मैंने दे दिया है, अगर नहीं देखा तो जाके पिछला वाला व्लॉग देख लो एंड यू विल हैव रिलेशन लाइक क्या चल रहा है अभी। सो बेसिकली द थिंग इज हम लोग बेंगलोर से गुवाहाटी तक ड्राइव करके आ रहे थे ऑन प्रवेशेज इसुजू एंड उसमें मेरी बाइक चढ़ा के एंड कैरिंग सम लगेज एज वेल। सो दिस इज लाइक द जर्नी का फुल वीडियो जो हम बना रहे हैं अभी। आज हम दिखाते हैं आज क्या हो रहा है बिकॉज टुडे वी हैव द मोस्ट हेक्टिक स्ट्रेच। यहाँ पे वी आर ट्रेवलिंग थ्रू पटना टू सिलीगुड़ी, लेकिन वी हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेचेज जो कंस्ट्रक्शन उसका होता है और फिर डैमेज होता है रोड, फिर कंस्ट्रक्शन होता है एंड देन देर आर सम अदर हाईवेज, देर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू गो फ्रॉम दिस प्लेस टू देयर। तो तीन चार डिफरेंट रोड्स है, देन देर सम विलेज वाला रोड ऑल्सो, वहाँ पे कोई कुछ दूसरा गंगा किनारे भी कोई रूट है। तो वी डोंट नो, वी आर सीइंग ऑल दीज रूट्स ऑन द मैप, अभी हम जाएंगे तो पता चलेगा। सो लेट्स जस्ट चेक आउट फटाफट, जाके हम रेडी हो जाते हैं। विल हैव ब्रेकफास्ट, आई मीन आई विल नॉट हैव ब्रेकफास्ट बिकॉज मैं डाइट पे हूँ। प्रवेश विल हैव ब्रेकफास्ट एंड देन हम लोग धीरे धीरे निकलते हैं। सो फाइनली वी आर डन पैकिंग और हम निकल रहे हैं होटल से एंड लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। सो दैट इज द कार। हम लोगों ने ना रात को बढ़िया से ढक वक के रखा था बाइक को, सो वेरी गुड केयर टेकन फॉर आई मीन टेकन ऑफ अस बाय दीस गाइस एंड दिस इज द प्रॉपर्टी। रात को तो आपको दिखा नहीं होगा प्रॉब्लम, वेल्स इन होटल। सो अभी कभी भी आएगा ना इधर तो मेक श्योर टू स्टे ओवर हियर, ब्यूटीफुल कंडीशन। एंड दिस इज प्रभात भाई, कैसे हो प्रभात? ही इज द ओनर ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्लेस। थैंक यू प्रभात भाई, ब्यूटीफुल होटल, ब्यूटीफुल होटल। अभी हम निकलेंगे आराम आराम से, पैकिंग इज डन चेक्ड। लोग घाट नहीं जा पाए लेकिन ये देखिए यहाँ से ब्रिज के ऊपर से हम जा रहे हैं, यू कैन सी द घाट्स ऑन द लेफ्ट साइड। यहाँ से आपको पूरा घाट एरिया दिखेगा। नेक्स्ट टाइम हम घाट में आएंगे, इस बार तो रह गया घाट में जाना, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम आएंगे। द बेस्ट थिंग अबाउट रोड ट्रिप्स वी गेट टू सी अ लॉट ऑफ दीज, ये सब पूरा दिन दिखता रहता है। कल भी 5-6 दिखा, आज भी दिखता है। सो मेनी एक्सीडेंट्स ऑन द रोड्स, बी केयरफुल गाइज। राइट नाउ हम लोग जा रहे हैं बिहार के स्ट्रेट रोड्स में एंड आई मस्ट से लास्ट टाइम जब मैं आया था उससे बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है बिहार। द रोड्स आर ऑल्सो वेरी नाइस, कहीं कहीं पे आगे दिखा रहा है कि कंस्ट्रक्शन है लेकिन सो फार इट्स बीन वेरी नाइस। ये देखिए वी आर क्रूजिंग इन समवेयर अराउंड 110-ish, 120-ish और गाड़ी बहुत सही चल रही है। आउटसाइड टेम्परेचर तो एयर टेम्परेचर इज ओनली 44, अब सोचो कितनी गर्मी होगी बाहर, लेकिन दिस कार हैज बीन वेरी कंफर्टेबल सो फार, बहुत मजे में हमको ट्रेवल करा रही है। नाइस वर्क टोयोटा। ये हम अभी बिहार के अंदर हैं एंड व्हाट अ बिग शहर दिस इज, क्या बड़ा शहर है और रोड भी जा रहा है सीधा 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 बहुत आगे तक, ये रिंग रोड जैसा है कुछ। यहाँ से गंगा जी का दर्शन भी हो गया, ब्यूटीफुल गंगा जी, सबसे पास से हमने यहीं पे देखा गंगा को बिहार में, व्हाट अ साइट। अब हम गंगा जी के ऊपर से ब्रिज से जा रहे हैं, आई डोंट नो द नेम ऑफ द ब्रिज बट व्हाट अ साइट, सो ब्यूटीफुल। दिस लुक्स लाइक द ओल्ड सरायघाट ब्रिज, जो पुराना सरायघाट ब्रिज था ना, तो उस जैसा लग रहा है। एंड ऑन द लेफ्ट, टेक द लेफ्ट, रिफ्लेक्टिंग सन रिफ्लेक्ट हो रहा है गंगा जी पे और कितना सुंदर लग रहा है, देखिए ब्रह्मपुत्र का याद दिला दिया। ब्रिज में गाइस हम बहुत टाइम से आ ही रहे हैं, आई थिंक अराउंड 2 किलोमीटर इश होगा ये ब्रिज, क्योंकि मोर देन 1.5 किलोमीटर हमने कर लिया है और गंगा जी तो ख़त्म हुई लेकिन कुछ ट्रिब्यूटरी है इधर और इस साइड में देख सकते हो आप, इधर है भी और नदी, तो काफ़ी बड़ा ब्रिज है, आई थिंक 2 किलोमीटर या उससे ऊपर ही होगा। ना गाइज यहाँ पे आके इतना मज़ा आया, इतना पवित्र लग रहा है ना गंगा जी के ऊपर से ट्रैवल करके, कभी भी हमने देखा नहीं था, मतलब बहुत दूर से देखा था लेकिन कभी भी सोचा नहीं था कि ऐसे ट्रैवल कर पाएंगे। तो गुड थिंग दैट वी केम थ्रू दिस रूट एंड बिहार होके आई मीन पटना होके हम लोग निकले और हमने ये ब्यूटीफुल साइट देखा गंगा जी का,
मन शांत हो गया पूरा। सो गाइज अभी हो चुका है रात और फ्यूलिंग हो रहा है। वी हैव रीच्ड बंगाल बॉर्डर। अभी बंगाल बॉर्डर क्रॉस करेंगे थोड़े टाइम में। एंड हाउ इज द फ्यूलिंग गोइंग ब्रो? पीसफुल फ्यूलिंग हो रहा है एंड वी डूइंग फुल टैंक। नो I asked for 25 thinking we're still in there, but we just entered Bengal, so I'll ask him to full tank it after 25. And पीछे सब ठीक है, bike bike बढ़िया से packing है, hill नहीं रहा है, checked all the straps and all, tires are fine, car's doing beautiful, और more updates coming soon. एक बार पहुंच जाते हैं, फिर we will see you guys again. She's relatively clean only, no? Yeah. Hey, where are you getting up? Adjusting. Okay, okay, cool. Don't tighten it any further. Guys, last, पता नहीं कितने टाइम से ये गाड़ी ना मेरे सामने इतना फास्ट जा रहा है, इतना फास्ट, मतलब मैं Hilux में literally इतना, मतलब Ironman suspension, no? Yeah, yeah. Like the top notch suspension से भी मैं इसको keep up नहीं कर पा रहा हूँ। ये इतना फास्ट जा रहा है, अभी भी देखिए इतने ये झटके वटके में आई एम डूइंग अराउंड व्हाट 90-100, और ये बंदा ना 110 के ऊपर जा रहा है, लाइक नेक्स्ट लेवल। और सबसे बढ़िया बात, एल्टो का रजिस्ट्रेशन देखो, AS01EX8070। भाई आसाम के बंदे ही ऐसे होते हैं, एल्टो लेके वेस्ट बंगाल के रोड्स में 120, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल जो भी है यहाँ पे। लेकिन भाई थोड़ा धीरे चलो, अगर व्लॉग देख रहे हो, कभी भी देखते हो, प्लीज़ थोड़ा धीरे चलना, आप बहुत रिस्की जा रहे हो, आपके साथ फैमिली भी है। देखो कैसे जा रहा है बंदा, आपके साथ फैमिली है, पीछे लगेज एंड गाड़ी एल्टो है, और आप स्पीड्स क्या कर रहे हो देखो। 100 पे तो मैं हूँ, Hilux पे एंड आई एम फीलिंग अनकम्फर्टेबल टू गो इन 100, और रात का टाइम है, और भाई साहब ये देखो, इज मेकिंग डिस्टेंस मोर एंड मोर, डिस्टेंस बनाता जा रहा है, इज लाइक 120 प्लस। very risky guys, please be safe, don't overspeed. Good morning again, ye hai last day, this is the last leg of travel. Abhi hum hain Siliguri mein, kal raat ko aaye, at thoda bahut humne vlog kara, lekin pura yahan tak nahi kara because it was a little late also and hum log thoda thak bhi gaye the, to thoda interior se aaye Bihar ke in certain places because main highway connected nahi tha, to thoda sa thak gaye the usme. अभी हम हैं होटल टूरिस्ट इन सेवोक में, और अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं गुवाहाटी के लिए थोड़े देर में। दिस इज द रूम, ब्यूटीफुल रूम, प्रवेश हैविंग ब्रेकफास्ट। हाउ इज द ब्रेकफास्ट ब्रो? सो ट्विंकल सेज ये ना यहाँ का बहुत स्पेशल है, शी सेज लाइक दिस स्टफ इज वर्थ डाइंग फॉर। हाउ इज इट, इज इट रियली दैट गुड? गुड। सो ट्विंकल बोलती है कि इसका छोले भटूरे ना बेस्ट है, और यहाँ से बेल्कनी का व्यू देखिए जरा, इट्स फील सो नाइस। हमारी गाड़ी किधर है? गाड़ी उधर पार्क है, सेफ एंड सिक्योर्ड। अच्छा कंपाउंड है दिस वन। इधर एक वो हॉल टाइप का भी है, यहाँ पे आई थिंक मैरिज वगैरह होता है। वेरी नाइस, बहुत सारे बेल्कनीज वगैरह है। दिस प्लेस इज़ वेरी वेल प्राइस्ड एंड वेरी सिक्योर्ड ऑल्सो एट द सेम टाइम। दीज गाइज आर वेरी गुड विद हॉस्पिटैलिटी। सिलीगुड़ी में इन जनरल हॉस्पिटैलिटी इज़ वेरी गुड ऑलवेज, जब भी मैंने देखा है। तो अभी हम जो है फटाफट रेडी होके यहाँ से निकलने वाले हैं, पैकिंग वैकिंग चल रहा है, एक बार नीचे जाते हैं, और आज जो सीनिक व्यू है ना वो अल्टीमेट होने वाला है, बिकॉज वी गोइंग थ्रू दैट कोरोनेशन ब्रिज एंड वो जो दैट बीनागुड़ी वाला रूट वी आर टेकिंग, जो जलपाईगुड़ी वाला कमर्शियल रूट है दैट वी आर नॉट टेकिंग। इट्स अराउंड 20 किलोमीटर्स लेस, बट देन उसमें क्या है कि उसमें ट्रक्स बहुत मिलते हैं एंड इट्स नॉट दैट सीनिक, सो हम सीनिक व्यू, सीनिक रूट लेते हुए जाएंगे, आराम से निकलेंगे, बीनागुड़ी में खाएंगे मोमोज, जो हम नहीं खा सकते, सॉरी नहीं खाएंगे मोमोज दिस टाइम, बट विल टेक दैट बीनागुड़ी रूट एंड जा रहे गुवाहाटी। सो द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट दिस प्लेस, ये यहां से मैं क्यों आता हूँ इज बिकॉज ऑफ ऑल दिस, लाइक यहाँ पे नेशनल पार्क्स है, सीनिक ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे ट्रैवल करके भी ना बहुत सुकून सा, आराम सा मिलता है, इसलिए मैं इस रोड से हमेशा आता हूँ, ना कि उस
जलपाईगुड़ी वाले रोड से सी। और यहाँ पे आगे मैं आपको दिखाऊंगा, वी विल क्रॉस 2-3 डिफरेंट नेशनल पार्क्स। लेके मेरे लास्ट ब्लॉग से कंपेयर करके देखिए द डिफरेंस इन हिल्स। अभी यहाँ पे देखिए कितना हरा भरा सा हिल है, दिस इंडिकेट्स आप नॉर्थ ईस्ट आ चुके हो, लाइक ऑफिशियली आपने एंटर कर लिया है नॉर्थ ईस्ट। इतना हिल्स देखोगे हरा भरा सा तो आपको पता चल जाएगा नॉर्थ ईस्ट आ चुका है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जर्नी, फाइंडिंग शुगर फ्री स्टफ। तो प्रवेश गया हुआ है तो ढूंढने के लिए यहाँ शायद नहीं मिला होगा। फ्रिज तो है, कोल्ड ड्रिंक भी है, लेकिन शुगर फ्री नहीं होगा आई थिंक। सो नेक्स्ट में देखना पड़ेगा। यहाँ से लास्ट टाइम हमने उठाया था बट यहाँ नहीं मिल रहा होगा, यहाँ आई थिंक नहीं मिल रहा। आई थिंक इट्स सर्चिंग दैट साइड। गॉट नो शुगर फ्री, रेड बुल शुगर फ्री इज आल्सो नॉट देयर। चलो विल सी अप अहेड दैट साइड। स्ट्रगल इज रियल गाइस। पूरा दुकान का लाइन छान मारने के बाद हमको लास्ट में दिखा है शुगर फ्री मॉन्स्टर यहाँ पे। मिल गया। इट नाउ इज द मोस्ट फेमस रिवर तीस्ता। कितना बड़ा है, हमने कितने बड़े रिवर्स देखे याद है गाइस ओवर द लास्ट 2 डेज। कर्नाटक में साइड में आपको याद है रिवर्स सूख गए थे, यहाँ पे रिवर्स का फ्लो देखिए, द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव इन द रिवर्स। एंड देन वी हैव द हिल्स एंड रोड्स लाइक दिस। और ये देख के पता चलता है घर आ गए घर। हम पहुंच चुके हैं अभी कोरोनेशन ब्रिज, जो कि इट इज़ अ वेरी वेरी फेमस ब्रिज। यहाँ से आपका जो है तीस्ता रिवर बोथ साइड्स दिखता है, इट कम्स डाउन फ्रॉम दैट साइड। आप देख सकते हो धार एंड इट गोज डाउन दैट साइड। और अभी हम ब्रिज के ऊपर हैं, इट्स अ वेरी स्मॉल ब्रिज। जस्ट टेक सम शॉट्स। होमली पहाड़िया, जस्ट लुक एट द व्यू गाइज, आई मीन जस्ट लुक एट द व्यू। इसी व्यू के तलाश में मैं इस रोड से आता हूँ हमेशा एंड आई अवॉइड द मेन हाईवे। टू मेस्मराइजिंग। ऐसा कंस्ट्रक्शन चल रहा है फिलहाल रोड पे, बट एक बार ये रोड पूरा बन गया ना मज़ा आ जाएगा। इधर इसको एक्चुअली थोड़ा सा छोड़ा कर रहे हैं बिकॉज रोड थोड़ा सा नैरो है, तो जरा सा छोड़ा कर रहे हैं इसको। रोड का क्वालिटी देखिए, व्हाट वी हैव ट्रेवल थ्रू, जो हम लोग का वो था सीनरी था जहाँ से आया, जो चेंज हुआ पत्थर से हम लोग आए, अभी ग्रीनरी देखिए। दिस इज नॉर्थ ईस्ट एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रिजर्व। इसको हमको प्रिजर्व करके रखना है बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ इंडिया जो पूरे इंडिया को ऑक्सीजन दे रहा है बेसिकली। पूरा इंडिया कितना बंजर है आपने देखा, मतलब नॉट होल ऑफ इट बट देन साउथ में क्या सीन चल रहा है, दे आर गोइंग थ्रू अ क्राइसिस बिकॉज दे डिड नॉट प्रिजर्व व्हाट दे हैड। वी हैव टू प्रिजर्व गाइस। ओ गाइस हाउ जॉबलेस कैन वी बी। हम क्या कर रहे पता है, इधर रेलवे ट्रैक्स है और हम एक ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस आ रहा है उधर से, और हम राजधानी के लिए रुके हुए हैं कि स्ट्रेच पे आएगा वो और हम उसको ड्रैग रेस करेंगे उसके साथ। अभी उसके लिए हम इधर रुके हुए हैं राजधानी के लिए। आओ आओ ड्रैग रेसिंग राजधानी एक्सप्रेस। यस वी हैव टू विन दिस ब्रो। या ऑलमोस्ट हु विंस एट द एंड ऑफ द ड्रैग स्ट्रिप। यस वी वन राजधानी एक्सप्रेस ब्रो, ये नेक्स्ट लेवल है। आप लोग ड्रैग रेस करते हो, ड्रैग रेस किसके साथ करते हो? आप लोग ड्रैग करते हो बाइक से, आप लोग ड्रैग करते हो कार से, हम लोग ड्रैग करते हैं राजधानी एक्सप्रेस से, वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। अभी स्लो डाउन टू 60, गॉट स्कैर्ड मे बी। और फाइनली पूरा भारत घूम के, पूरा इंडिया घूम के हम पहुंच चुके हैं असम। वी हैव एंटर्ड असम का रोड्स, बॉर्डर क्रॉस कर लिया है हमने श्रीरामपुर, जो कि असम बंगाल का बॉर्डर है।
और अभी हम धीरे धीरे जा रहे हैं गुवाहाटी की तरफ। कितने किलोमीटर है गुवाहाटी? इट इज 242, नॉट गुवाहाटी, ये है 88 रेसिंग का लोकेशन। तो इट्स 242 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर एग्जैक्टली प्रिसाइसली। और ये देखिए भाई साहब मेरे सीधा मेरे तरफ आते हुए। पर एनीवे हम पहुंच चुके हैं, बाकी आपको घर पहुंच के व्लॉग को एंड करेंगे। धीरे धीरे अनलोडिंग भी करना है और ये हाइलक्स हैवी बहुत ऊंची, तो इससे अनलोडिंग करना थोड़ा मुश्किल है। अरे गोसाई गांव पहुंचे हम, गोसाई गांव। दीज गाइज वुड फाइन अस फॉर सच स्मॉल थिंग्स दैट एग्जॉस्ट एमिशन नॉर्म्स फॉर पोल्यूशन एंड ऑल दैट शिट हम लोग को फाइन करता है। एंड लुक एट हियर, लुक एट द अमाउंट ऑफ फायर, लुक एट द अमाउंट ऑफ फ्यूम दे आर बर्निंग। So guys, I think this was the last susu break that we took. Iske baad aur susu breaks nahi hoga because we are right now in Bongaigaon, near Bongaigaon area that is, and we have stopped for a last break. Iske baad we will directly go to Guwahati. Yahan se aur no more breaks, and hopefully traffic ka situation bhi bahut zyada kharab nahi hoga. So iske baad directly Guwahati mein aapko milenge bike unloading karte hue. Hope aapko acha laga ye do din wala vlog. I mean do din wala nahi, do vlogs. चार दिन वाला। आई होप यू लाइक इट। अभी देखते हैं गुवाहाटी जाके। फाइनली वी आर हियर इन गुवाहाटी, हम गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। एंड लुक एट द डिफरेंस, क्या बढ़िया है सड़क। गुवाहाटी घुसते ही पूरा सीन ही चेंज हो गया। कितना सुंदर सड़क है, कितना सुंदर लाइट वाइट दिया हुआ है। सो फाइनली गाइज हम लोग आ पहुंचे हैं गुवाहाटी और अभी कर लिया अनलोडिंग। अनलोडिंग का वीडियो इसलिए नहीं बना सके क्योंकि बेसमेंट में करा है, वो भी डैड के डिपार्टमेंट के पार्किंग के बेसमेंट में। तो इसलिए मैंने अनलोडिंग नहीं, मतलब वीडियो नहीं बनाया मैंने, वैसे आपको दिखा देता। सो यस, द हाइलक्स हैज डिलीवर्ड एंड हम लोगों ने अनलोडिंग की कर लिया। ये रहा द ब्यूटीफुल बाइक नीचे। ट्विंकल व्हाट यू सेइंग? थैंक यू फॉर द गिफ्ट। थैंक यू फॉर द गिफ्ट। नाउ यू हैव टू बी व्हाट? फास्ट एज फक। ब्रो द मैंगोज हैव गॉट डैमेज्ड, ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम। तो प्रवेश आम लेके आया था बेचारा, आम का अचार बन गया। एनीवे नाइस नाइस थिंग, नाइस सर्विस फ्रॉम द हाइलक्स। थैंक यू सो मच हाइलक्स, थैंक यू सो मच प्रवेश फॉर लेटिंग अस यूज योर हाइलक्स। एंड पापा आए हुए हैं, मेरी सारी गाड़ियाँ इधर ही खड़ी है, इसमें स्कॉर्पियो इधर, क्विड इधर, वो वहाँ पे कोने की इशू भी खड़ी है। तो यस हम लोग अभी निकलेंगे। ट्विंकल आम कलेक्ट कर रही है इधर से, प्रवेश से फिर अब भी निकलने वाले हैं। सो गाइस कैसा लगा व्लॉग? इफ़ यू लाइक इट मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन और शेयर कर देना भाई। इफ़ यू लाइक इट जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि यू लाइक इट। एंड बताना कौन सा पार्ट सबसे बढ़िया लगा आपको। बहुत सारे हादसे हुए, बहुत सारा कुछ हुआ रोड में, मैंने सब कुछ दिया हुआ है। लास्ट व्लॉग नहीं देखा तो जाके देख लेना, इसके पहले वाला व्लॉग, उसमें हमने दो दिन का ट्रैवल उसमें इंक्लूड करा हुआ है। With that said, this is Sashank Sharma saying goodbye from 88 Racing. I'll see you all in the next vlog. Bye bye guys.